कि किसी व्यक्ति के न्यायाधीश बनने के लिए उसके दो रूप होने चाहिए। दो रूप? ये क्या कह रहे हैं आप कमलनयन? दो रूप रखना तो किसी भी व्यक्ति का अवगुण है। वो व्यक्ति ही क्या जो भीतर से कुछ हो और बाहर से कुछ और दिखाई दे। आपकी बात सर्वथा सत्य है महादेवी, सर्वथा सत्य है, परंतु जीवन की कुछ स्थितियों में इस अवगुण को अपनाना भी अनिवार्य होता है, और एक न्यायाधीश के लिए तो अत्यंत अनिवार्य। आप तो पहेलियां बुझाने लगे कमलनयन। कोई पहेली नहीं है महादेवी। न्यायाधीश के न्याय के आसन पर बैठने से पहले और न्यायासन पर बैठने के उपरांत दो रूप होने आवश्यक है। न्याय के आसन पर बैठने के पहले वो व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, या फिर किसी का भ्राता। परंतु जैसे ही वो न्यायाधीश के आसन पर विराजमान हो जाता है, उसके सारे नाते टूट जाने चाहिए, उसे केवल न्यायाधीश रहना चाहिए। और यदि ऐसा ना हुआ महादेवी, तो कभी धन के लोभ से या कभी नातों की महत्ता से उसके पांव डगमगाने लगेंगे, न्याय प्रणाली पर भ्रष्टाचार का अधिकार हो जाएगा। धन और नातेदारी तो मायाजाल है महादेवी, भ्रष्टाचार के मुख्य आधार हैं।